क्वेश्चन में हमें गिवन है इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर अलोंग इन दोनों के वेक्टर्स के सम के है इक्वल टू वन. हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले तो इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लेती हूँ मैं, इसको बी एंड इसको सी. हमें चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स. तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका सम करेंगे, वो होगा बी प्लस सी. इसको मैं मान लेती हूँ आर वेक्टर है ये. हमें चाहिए यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, वो होगा आर कैप. उसकी वैल्यू होगी वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर वेक्टर. अब हमें गिवन है इस ए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट विद दिस आर कैप इक्वल टू वन है. स्केलर प्रोडक्ट यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू वन होगा. तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर आर कैप की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. यहाँ से उसको इसमें पुट करके सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे. तो ये करते हैं, यहाँ पे हमने इसको मान लिया ए बी सी इन तीनों वेक्टर्स को. यहाँ पे हम निकालेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. उसके लिए इन दोनों के करस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स या टर्म्स हम ऐड करेंगे. यहाँ पे आर के साथ टू है, यहाँ पे लैम्डा है, तो टू प्लस लैम्डा. यहाँ पे फोर प्लस टू एंड सिमिलरली यहाँ पे माइनस फाइव प्लस थ्री करेंगे. ये आएगा ऐसे, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ये. इसको मैं मान लेती हूँ आर वेक्टर है ये. हमें चाहिए यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, वो होगा आर कैप. तो उसके लिए हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस वेक्टर का. तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट में आई जे के साथ जो भी टर्म्स हैं उनका हम स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे. तो आई के साथ टू प्लस लैम्डा है, तो टू प्लस लैम्डा का स्क्वायर. जे के साथ सिक्स है, तो सिक्स का स्क्वायर. के साथ माइनस टू है, तो माइनस टू का स्क्वायर. ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड. इसको इसमें पुट करेंगे एंड ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आएगा ऐसे. इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारा यूनिट वेक्टर. अब क्वेश्चन में हमें गिवन है इसका डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर इक्वल टू वन है. तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आएगा ये. अंडर रूट को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के लिए इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे आई जे के. तो यहाँ पे आई के साथ वन है एंड यहाँ पे लैम्डा प्लस टू, तो ये होगा वन इंटू लैम्डा प्लस टू. प्लस जे के साथ वन है यहाँ पे एंड यहाँ पे सिक्स है, तो ये होगा वन इंटू सिक्स. प्लस के साथ वन है एंड यहाँ पे माइनस टू है, तो ये होगा वन इंटू माइनस टू. तो ये आएगा ऐसे. सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ रहा है. अब यहाँ पे इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा. उसके लिए आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो आ जाएगा ऐसे. यहाँ पे इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, ये आएगा. सॉल्व करने पे लैम्डा की वैल्यू आ रही है वन.